लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं बात करूंगा प्रेगनेंसी में तुलसी के बीज खाने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में महिलाओं को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इस समय महिलाओं को अपनी डाइट में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। इसका सीधा फायदा महिला और उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। इस दौरान महिलाओं की रोजाना डाइट में नट्स सीड्स शामिल करने से भी घर में पल रहे बच्चे को पर्याप्त पोषण मिलता है, साथ ही महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है। लेकिन इस समय बिना डॉक्टरी सलाह के कुछ भी खाने से महिलाओं को बचना चाहिए। साथ ही डाइट में जिन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं उनकी सही मात्रा का भी पता होना बेहद जरूरी है। प्रेगनेंसी में महिलाओं के लिए तुलसी के बीज खाना कैसे फायदेमंद होते हैं, साथ ही तुलसी के बीज ज़्यादा खाने के जोखिम को भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसी के बीज में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तुलसी के बीज में कैलोरी, डाइट्री फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, शुगर, सोडियम, विटामिन B6, फोलेट और पानी की मात्रा पाई जाती है। इससे महिलाओं को कब्ज, एसिडिटी और शुगर की समस्या में आराम मिलता है, साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। प्रेगनेंसी में तुलसी के बीज को भिगोकर खाने चाहिए। प्रेगनेंसी में तुलसी के बीज के फायदे, तो सबसे पहला फायदा होता है एसिडिटी को कम करने में सहायक होता है तुलसी का बीज। प्रेगनेंसी में हार्मोन बदलाव की वजह से महिलाओं को एसिडिटी की समस्या हो सकती है। गर्भ में भ्रूण का बड़ा होने पर महिलाओं की पाचन क्रिया प्रभावित होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी में एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन सीमित मात्रा में तुलसी के बीज लेने से एसिडिटी की समस्या कम होती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है तुलसी का बीज। प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, लेकिन तुलसी के बीज से आप डायबिटीज़ की समस्या में आराम पा सकते हैं। इसके सेवन से भी शरीर का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहता है, कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिलता है तुलसी के बीज खाने से। प्रेगनेंसी में पाचन क्रिया खराब होने से कब्ज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा डाइट में डाइटरी फाइबर और पानी कम लेना भी कब्ज की एक मुख्य वजह हो सकती है। ऐसे में महिलाओं को कब्ज तुलसी के बीज को पानी में भिगोकर लेना चाहिए, इससे कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। शरीर की गर्मी को शांत करने में फायदेमंद है तुलसी का बीज। प्रेगनेंसी में शरीर की गर्मी को शांत को करने में तुलसी के बीज फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद में इसको कफ और बात को बैलेंस करने के लिए भी बेहतरीन उपाय माना जाता है। त्वचा और बालों के लिए जरूरी है तुलसी का बीज। तुलसी के बीज से प्रेगनेंसी में महिलाओं की त्वचा पर होने वाली समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा ये बीज बालों की ग्रोथ के लिए भी बेहतर फायदेमंद होते हैं। ये हार्मोन की समस्या से होने वाले समस्याओं को भी दूर करने में सहायक होते हैं। अब तुलसी का बीज अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो क्या नुकसान हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तुलसी के बीज कई फायदे मैंने आपको बताए, लेकिन अभी इस विषय पर अधिक शोध की और भी ज़रूरत है। वहीं डॉक्टर प्रेगनेंसी में बिना सलाह तुलसी के बीज खाना हानिकारक मानते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि प्रेगनेंसी में तुलसी के बीज अधिक खाने से एस्ट्रोजन का स्तर
कम हो सकता है। एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी में भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। मैं वापस कई बार लोगों को बता चुका हूँ और भी चैनल पे कि किसी भी चीज़ की लिमिट से ज़्यादा खाना तकलीफ देह होता है, चाहे वो आम हो, एंड आम मीन्स मैंगो, आप ज़्यादा खाएंगे तो तकलीफ होगा। टेस्ट के हिसाब से खाएं, उसी दवाई कितनी छोटी होता है, शरीर कितना बड़ा होता है, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। तो लिमिट में कोई चीज़ का यूज करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।